वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं मारूफा नवाज खैर मकदम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं जा रही हूँ हज़रत गाजी बाबा के मज़ार शरीफ, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में है लेकिन कोलकाता में नहीं है। तो भाई इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है घुटियारी शरीफ। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ घुटियारी शरीफ का पूरा शेयर करूंगी, प्लस ये भी बताऊंगी कि हमारे कोलकाता से घुटियारी शरीफ पहुंचना कैसा है। अगर फुल डिटेल्स चाहिए तो मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब चलिए निकलते हैं सियालदह स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारा गाड़ी जो है ना घुटियारी शरीफ के लिए वो वहीं से है। चलिए स्टेशन पहुँच कर आप लोगों से बात करती हूँ। वेल फ्रेंड्स, तो ये है सियालदह रेलवे स्टेशन ऑफ ओवर कोलकाता, जहाँ से आपको लोकल कैनिंग ट्रेन मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप घुटियारी शरीफ जा सकते हो, जो कि सियालदह स्टेशन से 16 स्टॉप की दूरी पर ही है। वैसे ये ट्रेन मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्क सर्कस बालीगंज रेलवे स्टेशन होते हुए ही जाती है, वहाँ से भी आप ये ट्रेन ले सकते हो। बट एज़ इट इज़ अ लोकल ट्रेन, इसमें रश काफ़ी ज़्यादा होता है, सीट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बेहतर है कि आप सियालदह ही से इसे लो। वैसे अब हम लोग टिकट यहाँ से ख़रीद लें और उसके बाद में टिकट परचेज करके आप लोगों को टिकट का प्राइस बताती हूँ। तो भाई ये देखिए, हम लोगों ने टिकट ले लिया है, 20 रुपीज़ करके पड़ा है, अप एंड डाउन बोथ है। तो चलिए फिर निकलते हैं। तो भाई ट्रेन के चक्कर में सब सिमरन और राज बने हैं, ये देखिए। बोलना बनता है कि हावड़ा स्टेशन से ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे अंदर का सिनेरियो लगा है सियालदह स्टेशन का, आप लोग देख लें। और काफ़ी ज़्यादा बिजीएस्ट स्टेशन है हमारे कोलकाता का, क्योंकि यहीं से ना बहुत सारे जो काम करने वाले लोग होते हैं, मतलब एम्प्लॉय जो होते हैं, यहीं से आना जाना रोज़ अप एंड डाउन करते हैं मेन हमारे कोलकाता में। तो हम लोग अपना ट्रेन का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ट्रेन जैसे आता है मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ, आप डायरेक्ट ट्रेन में बैठ कर। कोई भी गाड़ी पकड़ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं सियालदह स्टेशन आई नहीं थी, और यहाँ आकर मुझे पता लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा, यू नो, देख ही सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बिजी स्टेशन। और फाइनली हम लोगों को यहाँ पे सीट मिल गया है, और अब वहाँ पहुँच कर बात करते हैं आप लोगों से। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक एक घंटे में सियालदह स्टेशन से लोकल ट्रेन जो है ना वो घुटियारी शरीफ की तरफ जाती है। हम लोगों ने 10:24 वाला ट्रेन पकड़ा है, और 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों को ये ट्रेन जो है ना घुटियारी शरीफ पहुंचा देगी। तो अब मैं आप लोगों से स्टेशन में उतर कर बात करती हूँ। हम लोग घुटियारी शरीफ के स्टेशन में ड्रॉप हो गए, और यहाँ से मज़ार कैसे जाना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मज़ार एरिया है, स्टेशन से वॉक करते करते आप मज़ार पहुँच जाइएगा, सब ठहरने का जगह है, बाजार एरिया पूरा। रेलवे स्टेशन पर आप उतरते हो और बाय वॉकिंग बाज़ार एरिया होते हुए हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ आप आ सकते हो, जो कि बारिश ऑन हो गया है तो हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। यहाँ पर रुकने का बहुत सारा रूम्स अवेलेबल है, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अपने वीडियो में आगे। भाई साहब ने बंगाली में बात किया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये मज़ार है और यहाँ का मातृभाषा बंगाली है, मगर मेरे व्यूअर्स तो हिंदी व्यूअर्स है और बहुत सारे व्यूअर्स को बंगाली समझ नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ बहुत से ऐसे दुकान हैं जहाँ से आप ये सारे सामान को हदिया कर सकते हो, साथ में आप अपने फैमिली लेकर अगर आ रहे हो तो रूम्स भी ले सकते हो। अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और थोड़ा अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, आइए। फाइनली हम लोग घुटियारी शरीफ आ गए हैं, और रेलवे स्टेशन से उतरकर आपको कोई ऑटो या टैक्सी कुछ नहीं लेने का ज़रूरत पड़ेगा, बस आपको बाय वॉकिंग पूरा बाज़ार एरिया होते हुए यहाँ हज़रत के मज़ार शरीफ आना है। ये एक जगह मैं अभी आई हूँ, हज़रत के मज़ार शरीफ जाने के रास्ते ही में पड़ा है, ऐसा आप आके यहाँ पर रुक सकते हो, रूम वगैरह ले सकते हो। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, पहले টয়লেট বাথরুম আছে, পাখা আছে, চাদার সিনে আপনারা ফেস করবেন বাবার এখানে, এই জন্য আমরা বসার জন্য ব্যবস্থা রেখেছি। হ্যাঁ, আমাদের বসার জন্য সামনে সপ্তাহ রুমস আছে, ইনশাল্লাহ রুমসের সময় আপনারা আসবেন, ইনশাল্লাহ তাদের ভালো লাগবে, এখানে বসবেন, জিয়ারত করবেন, বাবার এখানে প্রচুর লোকজন আছে, হ্যাঁ জিয়ারত হোক, হ্যাঁ যে কোনো রুমে আপনি বসবেন, এখানে বসার ব্যবস্থা আছে আমাদের, সেইভাবে এখানে ডিমান্ড একটা খুব নেই, বসটা আমরা সব तो 1000-1500 रुपये इसका चार्जेस लगेगा। और अगर आप अंदीना आते हो और ऐसे रूम लेते हो यहाँ पे, तो आपको 100-200 रुपये में मिल जाएगा ये सारे रूम।
जब आकर आप रह सकते हो यहाँ पर अपना फैमिली लेकर, आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगा। रास्ते से आपको आना है मज़ार शरीफ की तरफ, और यहाँ पे देखिए मज़ार शरीफ का रास्ता है, यहाँ से आप जा सकते हो। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और हज़रत की ज़्यारत करते हैं। कब हज़रत पीर गाज़ी मुबारक अली बाबा, जो कि अल्लाह के सच्चे वलियों में से एक हैं, इनसे जुड़ी बहुत से करामात हैं जो वक्त बावक्त इंसानों के सामने जाहिर हुई है। आज मैं आप तमाम नाजरीन को हज़रत बाबा गाज़ी के कुछ ऐसे करामात बताऊंगी जिनको जानकर आप सभी को बहुत हैरानगी होगी। वली अल्लाह के ज़रिए अल्लाह पाक हमेशा कुछ ऐसा जाहिर करते हैं जो हम और आप आम इंसान की सोच से परे होता है। ये बात तकरीबन 1700 ईस्वी की है, जब ये जगह जंगल हुआ करता था और यहाँ हज़रत पीर गाज़ी बाबा अल्लाह के मोहब्बत में उनकी इबादत किया करते थे। ये तमाम एरिया सुंदरबन इलाके में आता है और उस वक्त भी सुंदरबन के शेरों की वजह से ये जगह काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। इन खूंखार जंगली शेरों को वली अल्लाह हज़रत गाज़ी बाबा ने अपना पालतू जानवर बना रखा था। जी हाँ मेरे प्यारे नाजरीन, शेर भी वली अल्लाह का मर्तबा जानते हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, हज़रत बाबा की दूसरी करामात तो तब जाहिर हुई जब यहाँ पास में प्याली पुल बनाया जा रहा था। कहा जाता है उस वक्त एक शैतान था जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता। प्याली पुल को बार बार बनाया जाता और वो शैतान उसे बार बार तोड़ दिया करता। बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो जाया करता था इस वजह से। बाबा के मुरीदों ने जब ये बात हज़रत बाबा तक पहुँचाई, उसे रोकने के लिए कहा, तब जाकर हज़रत बाबा के दुआ से अल्लाह पाक ने उस शैतान को पत्थर बना दिया। और आज भी ये पत्थर आप लोग देख सकते हो कि बाबा के मज़ार शरीफ में पड़ी है। कहा जाता है कि जिन नाजरीन का मन्नत पूरा होता है हज़रत की दुआओं के फैज से, वो नाजरीन यहाँ तवर्रुक बनाकर तकसीम करते हैं। और तवर्रुक बनाने का जो सामान होता है, स्पेशली अदरक और लहसुन, उसको यहीं इसी पत्थर पर पीसते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, ये जितने भी मज़ार शरीफ आप बाहर की तरफ देख रहे हो हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ के आंगन में, ये सारे मज़ार हज़रत के मुरीदों की है। बाहर से दिखा सकूंगी यहाँ पे, हो सकता है कि अहमद अंदर का वीडियो ला दे तो मैं ज़रूर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ से औरतें जा सकती है और फातिहा पढ़ सकती है। तो चलिए मैं चलती हूँ और फातिहा पढ़ के आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ की ज़्यारत करवाते हुए मेरे प्यारे नाजरेन, इनसे जुड़ी मैं एक और बात आप लोगों को बता दूँ कि ये बात 1700 ईस्वी की है, जब इस इलाके ने भारी सूखे का सामना किया था। कई सालों तक यहाँ बारिश नहीं हुई थी, तब हज़रत ने इस इलाके में बारिश करवाने के लिए अल्लाह पाक से बहुत दुआएं की। बिना खाए बिना पिए लगातार इबादत करते रहे, तब कहीं जाकर इस इलाके में बारिश हुई। लेकिन मेरे प्यारे नाजरीन, इस लगातार इबादत की वजह से हज़रत बाबा गाज़ी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए और आखिरकार उन्होंने इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी 3 अगस्त को हर साल इनका सालाना उर्स बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे नाजरीन, आने वाले महीने की 2 तारीख को मज़ार शरीफ में गुस्ल मुबारक है और 3 तारीख को उर्स मुबारक। इस मौके पर अलग अलग कौम के लोग वेस्ट बंगाल के अलग अलग जगह से आते हैं और उर्स मुबारक का हिस्सा बनते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हज़रत गाज़ी बाबा के मज़ार शरीफ में अलग अलग कौम धर्म के लोग भी आते हैं और सबका अपना अलग अलग मान्यता है। उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर मन्नत का ताला लगाया है। उनका मान्यता है कि वो ऐसे ताले यहाँ पर लगा देंगे और जब उनका मन्नत पूरा हो जाएगा तो वो अपने हस्ब व औकात के मुताबिक नज़र नियाज दिलाकर ये ताला को खोल लेंगे। मेरे प्यारे नाजरीन, यहाँ पर मेरा ज़्यारत हो चुका है।
अब आइए मैं आप लोगों को हजरत बाबा के मजार के अहाते में बना एक पीर पुकुर है वहाँ लेकर चलती हूँ। भाई ये जो आप लोग देख रहे हो ये है पीर तालाब और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और फूल यहाँ पे सामने मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो वहाँ पे मन्नत मांगने का ये तरीका है। फूल छोड़ दिया जाता है इस तालाब में और अगर घूमकर वापस आ जाता है तो माना जाता है कि आपका जो मन्नत है वो पूरा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आप जुमे के रोज़ तशरीफ़ लाते हो ना हज़रत गाज़ी बाबा के मज़ार शरीफ में, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखोगे और यहाँ पे बहुत सारे नाज़रीन जो है ना वो लोग अलग अलग तरीके का मन्नत मुराद मानते हैं और उनमें से एक जो मुराद है ना वो ऐसा भी है कि बच्चे को लेकर आते हैं माँ बाप, डेग में डालते हैं और डाल कर इस पीर तालाब में छोड़ देते हैं और वापस डेग को घुमा कर माँ बाप को लौटा दिया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे नाज़रीन, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये एक तरीके का मन्नत है। मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को उस मन्नत को उतारते हुए कुछ नाज़रीन का फ़ोटो ऐड करके दिखा दूँगी। हजरत के मज़ार शरीफ आए हुए हैं और यहाँ पे बारिश का मौसम है तो देखिए बारिश भी ऑन हो गया है। भाई वो देखिए, वो जो सारे आप लोग फ्लावर देख रहे हो ना, मन्नत के लिए लोग खरीदते हैं और पीर तालाब में डालते हैं। भाई भूख लग गया है यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि सुबह के वक्त मैं निकली थी तो यहाँ पे ऐसा कुछ खाने का कोई बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं अभी मिल रहा है, तो मैं जहाँ बैठी हूँ पीर तालाब के पास में यहाँ पे एग एंड ब्रेड मिला है तो मैंने ये ले लिया है। बारिश रुक गया है और ये देखिए यहाँ पे पीर तालाब से निकलकर ये मेंढक ऊपर की तरफ आ गया है। और भाई जैसे ही बारिश रुका ना फ्रेंड्स, वैसे ही आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ औरतें जो है ना वो मन्नत के लिए वापस से बैठ गई हैं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा दूर दराज से आते हैं और मौका जो है ना वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस वजह से बस बारिश रुका और ये लोग देखिए यहाँ पर शुरू। के बारे में एक और मान्यता है, यहाँ पे बच्चे लाकर डेग में डाले जाते हैं, औरतें यहाँ पे ऐसे हाथ फैलाकर बैठी रहती हैं, ठीक है, और डेग में बच्चों को डालकर यहाँ पे घुमाया जाता है और उसके बाद में माँ के पास वापस बच्चा आ जाता है, वो एक मन्नत होता है। बंदी जो है अल्लाह पाक के शुक्रगुजार है कि अल्लाह पाक ने इस बंदी को ये काबिल समझा कि अपने वली की ज़ियारत नसीब अता फरमाई, तो मेरा यहाँ से ज़ियारत हो गया है और मैंने यहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा भी देख लिया। कैसा लगा तुम लोगों को आगे यहाँ पे? माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुकूनदायक नज़ारा। भाई वली अल्लाह के दर पर तो होती ही है रूहानी मंजर। और अब चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से। बच्चों से रिलेटेड अगर आप कोई मन्नत मांगते हो हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ में और वो पूरा हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आप लोग खाना वगैरह पका सकते हो, यहाँ पे एक वगैरह सारा चीज़ आप लोगों को यहीं पे दे दिया जाएगा। प्लस अगर आप रहना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में रूम्स भी दिखा दिए हैं कि यहाँ पे रहने का भी पूरा इंतजाम है। जुमा का दिन में स्पेशली जुमा का दिन में स्पेशली बहुत सारा आता है और आज नहीं आने का कोई चांसेस है ना? आज आता, कोई का मन्नत होता। हमारा ज़ियारत तो हो चुका है हजरत के मज़ार शरीफ का, तो अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। फाइनली हम लोगों का ज़्यारत हो चुका है और हम लोग मज़ार शरीफ से निकल चुके हैं और मज़ार शरीफ जाने के लिए स्टेशन से आपको कोई ऑटो गाड़ी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि बाय वॉकिंग आप जा सकते हो बाज़ार होते हुए। आप लोग देख ले वापस हम लोग आ गए हैं।
ट्रेन पकड़ने के इरादे से सियालदा वापस लौटना है हम लोगों को। हालांकि सियालदा से नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हमारा पार्क सर्कस, लेकिन हम लोग पार्क सर्कस में नहीं, हम लोग सियालदा में ड्रॉप होंगे। तो वेल फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में एक छोटा सा बेल आइकन होता है कोने में फ्रेंड्स, जिसमें ऑल पर्सनलाइज और नन बोल कर आएगा, आप लोगों को ऑल में टिक मार्क करना ताकि आप लोगों को मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द एक दूसरे अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।